बीजेपी की मेयर कैंडिडेट रही रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की मेयर धांधली पर उतर आई हैं और ये सारा हंगामा आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने किया है। फेयर तरीके से सीक्रेट बैलेट के साथ में वोटिंग होनी है और कल भी हमारी यही डिमांड थी। अगर वो मेयर जिद के कारण अटक करके ये कहती है कि जी मैं तो 56 से शुरू करूंगी, अरे भाई जब बैलेट बॉक्स में 47 वोट हैं आप 56 से शुरू करोगी तो बीच के जो वोट हैं वो कहाँ गए, उसका हिसाब कौन देगा, वो बैल जो प्रोसेस है वो फेयर कैसे मान लिया जाएगा, कोई एक भी कानूनविद ये बता देगा? खुद म्युनिसिपल सेक्रेटरी ये कह सकता है कि वो कल का जो चुनाव था वो फेयर है, अभी तक जो हुआ है तो हम मान लेंगे, बताइए जरा आप, कोई नहीं कह सकता। तो अनफेयर को अनफेयर कहना कहां गलत था, हम तो पूरी रात वहां बैठे रहे, नहीं तो हमें क्या जरूरत थी वहां पूरी रात बैठने की। सारा अमानवीय व्यवहार के साथ में एक एक जो काम वहां हाउस में हो रहा था, मतलब शब्दों में बयान नहीं हो सकता, फिर भी हमने रात भर वहां बैठ करके चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लिया कि शायद किसी लेवल पे वो मान जाए, परंतु मेयर आती थी और ये कहकर कि जी हाउस अर्जेंट फॉर 15 मिनट और चली जाती थी, फिर 2 घंटे गायब। 13 बार हाउस अर्जेंट हुआ है, आप समझिए कि एक एक पार्षद पे, विशेष रूप से महिला पार्षद पे क्या बीत रही होगी, जो सुबह 9 बजे की निकली हुई अगले दिन 12 बजे तक घर नहीं पहुंची। एक सवाल आपसे भी है कि जो पार्षदों को लोगों ने चुना है अपने हक की लड़ाई के लिए, वो आपस में ही लड़ रहे हैं सदन में? नहीं, वो आपस में नहीं लड़ रहे, वो कानून बचा रहे, सदन की गर्मियां बना रहे, संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ रहे हैं, इसे लड़ रहे हैं। तो 6 जनवरी से लेकर के कल तक जिन लोगों ने हंगामा किया उनको तो बताना पड़ेगा ना, जो कहते थे हम दिल्ली बदलेंगे, राजनीति बदलेंगे, लेकिन वो खुद ही बदले बदले से नजर आ रहे हैं। शांति से होगा स्थायी समिति का चुनाव या फिर हंगामा? जब मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव शांति से हो सकता है तो स्थायी समिति के सदस्यों का क्यों नहीं हो सकता? लेकिन जब उस चुनाव में जो नियम तय किए गए उन नियमों को तोड़ करके आप चीजों को खराब करोगे तो फिर माहौल तो खराब होगा ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।